नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी एसएसबी ट्यूटोरियल में एक नए वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज स्ट्रेटेजिक वीडियो रहने वाली है सीडीएस 2018 फर्स्ट एग्जाम की, जो कि 4 फरवरी को होने वाला है हमारा एग्जाम। तो उसके ऊपर आज मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा कि आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं जीएस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, और थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा कि आप करंट अफेयर्स किस वे में पढ़े, बिकॉज करंट अफेयर्स बहुत सारे लोग गलत वे में पढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जिन लोगों की अभी एसएसबी है और उनको बिलीव है कि वो सीडीएस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो प्लीज आप ये डीवीडी बाय कर सकते हैं। एनके नटराजन सर की एक्सएसएसएफ जो रह चुके हैं एसएसबी के अंदर, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर, ये सीडी दोस्तों आपको मिल जाएगी 1999 के अंदर। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, अमेजन के ऊपर अवेलेबल है। अभी डील चल रही है, डील दोस्तों 8 AM से 8 PM तक की होती है। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, पहले हम जीएस के ऊपर बात कर लेते हैं। ये चार्ट जो देख सकते हैं, ये एक एनालिसिस है चार पेपर का, 2017-1 से लेकर 2016-1 तक। आपको पता है साल में 2 बार सीडीएस एग्जाम का पेपर होता है, ये जीएस के ऊपर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, जियो, पॉल साइंस, इको, करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो लोगों के लिए जिनको अभी भी थोड़ा डाउट है कि वो शायद सीडीएस के ऊपर अपनी ग्राफ अभी तक नहीं बना पाए हैं, 20-25 दिन रह गए हैं एग्जाम के अंदर, एडमिट कार्ड अभी तक अवेलेबल हो चुका है, तो जिसको ने अभी एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं किया प्लीज डाउनलोड कर लेना। तो फिजिक्स के अंदर आप देख सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं 2017 सेकेंड सीडीएस एग्जाम में 24, 2017 फर्स्ट सीडीएस एग्जाम में 23, 2016 सेकेंड एग्जाम में 23, 2016 फर्स्ट एग्जाम में 25। तो आने वाले उम्मीद में मुझे लगता है कि 25 से 26 क्वेश्चन 101% 2018 सीडीएस 1 एग्जाम में अंदर आएंगे ही आएंगे। तो अब बात आती है फिजिक्स के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों फिजिक्स के लिए आप या तो एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं 10th स्टैंडर्ड तक की, 8 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक की फिजिक्स के चैप्टर आप गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप जो है पाथफाइंडर बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर आ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, सॉल्व करना स्टार्ट करिए। मेन फोकस जो आपका होना चाहिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर होना चाहिए, करंट से रिलेटेड होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड होना चाहिए, साथ साथ दोस्तों जो पैरेलल रेजिस्टर्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आपने करने हैं, कैपेसिटर्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आपने करने हैं, वो क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। क्योंकि ये देख सकते हैं अब 24 मार्क्स के आए हैं, 23 मार्क्स के आए हैं, 23 मार्क्स के आए हैं, 25 मार्क्स आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनसीईआरटी से आप इसको फॉलो करिए जरूर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हीट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेव्स एंड ऑसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ साथ ऑप्टिक्स फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो चैप्टर बता रहा हूँ दोस्तों 101% आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे डेफिनेटली फिजिक्स के अंदर से। बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री भी आप देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं 13 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, 16 मार्क्स के आ गए, 17 के आ गए। ठीक है, देख सकते हैं 2000 ये थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है केमिस्ट्री का, तो अराउंड मुझे लगता है 14-15 क्वेश्चन तो फिर भी आएंगे ही आएंगे 2018 के अंदर, 14-15 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली केमिस्ट्री में से आएंगे ही आएंगे। तो आप इसको मत लीव करना, बहुत सारे लोग केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं, केमिस्ट्री के पार्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए दोस्तों, फिर उसके बाद आपका जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कोल के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो सब, रिएक्शन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी इसके लिए भी आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं क्लास 10th स्टैंडर्ड तक की, 8 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक की। देखो दोस्तों पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, आप जल्दी जितना पढ़ सकते हो उतना बेटर है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने करने ही करने हैं वो मत भूलना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, एनसीईआरटी फॉलो करना, पाथफाइंडर से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, साथ साथ थ्योरी जो उसकी दी हुई है बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि पाथफाइंडर बुक है वो आपकी रिवीजन के लिए होती है, वो स्टडी के लिए नहीं, वो रिवीजन के लिए है कि आप जल्दी जल्दी एक बार ग्रो थ्रू कर ले उसके साथ। उसके बाद करते हैं बायो की, जिन लोगों के पास दोस्तों बायो नहीं होती है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर बायो की, देख सकते हैं आप 2017 में सेकंड सीडी एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 19 फिर 11 मार्क्स के और फिर और 10 मार्क्स के, तो जिनके पास बायो नहीं उनको यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, और मोस्टली केसेस में बायो लोगों के पास होती नहीं है तो वो यहाँ पर फंस जाते हैं। तो आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ पाथफाइंडर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाए, 5-6 क्वेश्चन आपको आराम से बायो के आप क्रैक कर पाएंगे। बायो की अगर मैं बात करूँ तो 12 क्वेश्चन मुझे लगता है इस बार सीडीएस एग्जाम में आपको 12 क्वेश्चन जो है बायो के रिलेटेड मिल जाएंगे। उसके बाद आती है हिस्ट्री की दोस्तों, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी में से तीनों में से, देख सकते हैं आप हिस्ट्री का ट्रेंड, 15 मार्क्स के क्वेश्चन पहले आए, फिर 20 मार्क्स के क्वेश्चन,
फिर 7 फिर 8 हिस्ट्री का लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे और उम्मीद है मुझे 18 टू 19 क्वेश्चन आराम से मार्क्स के क्वेश्चन हिस्ट्री में से आएंगे ही आएंगे तो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करो जो बैक एक्सरसाइजेज है वो पढ़ो एनसीईआरटी की साथ साथ पाथफाइंडर से भी क्वेश्चन करो और ऑनलाइन भी क्वेश्चन सर्च करो या फिर यूपीएससी के जो पेपर्स है जो एग्जाम्स है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं आईएएस लेवल के या फिर और कोई गवर्नमेंट एग्जाम है उसके अंदर भी हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हैं वो आप फॉलो जरूर करिए क्योंकि हिस्ट्री को हम छोड़ नहीं सकते हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेंड देख सकते हो आप 8 मार्क्स के 7 मार्क्स 20 से 15 तो आराम से 18 से 19 नंबर के आराम से आ जाएंगे आपको ऐसी सेम विद ज्योग्राफी है अराउंड 16-17 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे ज्योग्राफी में 2018 के अंदर 20 मार्क्स के 2017 सेकंड पार्ट में है 2017 फर्स्ट में 8 मार्क्स के हैं 19 मार्क्स के 2016 टू में और 2016-1 में भी 19 मार्क्स के आए तो देख सकते हैं आप ट्रेंड जियो का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों की अभी तक तैयारी अच्छी नहीं हुई है पॉल साइंस को छोड़ सकते हैं वो आप पॉल साइंस छोड़ सकते हैं बिकॉज ट्रेंड बहुत कम है क्योंकि अराउंड आपके मार्क्स पॉल साइंस में क्वेश्चन जो आने हैं वो है 4-5 मार्क्स मैक्सिमम तो 2-3 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा तो आप पॉल साइंस इसको छोड़ सकते हैं सेम केस विद इको इको भी अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है तो मैं कहता हूँ अब आप छोड़ सकते हो बिकॉज टाइम बहुत कम है बाकी सारे पेपर्स के ऊपर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बात करते हैं करंट अफेयर्स की करंट अफेयर जो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन 100% इस बार भी पूछे जाएंगे और इसका पढ़ने का एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया होता है मैं आपको बता दूं जो सीडीएस एग्जाम या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है वो 3 मंथ्स पहले सेटअप हो जाता है ठीक है तो जैसे फरवरी में एग्जाम है तो दिसंबर तक उसका पेपर बन चुका होता है ठीक है मिड दिसंबर तक तो आप मिड दिसंबर तक की आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वो इट विल बी मोर बेनिफिशियल लोग क्या करते हैं आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं करंट अफेयर्स आपकी ऐसा नहीं है आपकी करंट अफेयर्स कभी भी सीडीएस एग्जाम में नहीं आएगी हाँ अगर आप एसएसबी देने जा रहे होते तो आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए बट जब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं तो 3 मंथ्स बैक चलना पड़ेगा आपको पीछे की सारी जैन से लेकर आपकी मिड दिसंबर तक आपको पूरी जीएस पढ़नी पड़ेगी इस साल की तो वो बहुत बेनिफिशियल होगी बिकॉज क्योंकि पिछले वाले अगर सीडीएस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है वो जीएस का वो इस बार आ सकता है चाहे वो 6 महीने पहले की न्यूज हो बट वो एग्जाम में आ सकता है तो आपको करंट अफेयर्स में जैन से लेकर मिड दिसंबर तक पढ़ना पड़ेगा आप कैसे पढ़ सकते हैं आप प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ सकते हैं वेबसाइट से ऑनलाइन बहुत सारी जीएस की वहां से न्यूज अपडेट रह सकते हैं साथ साथ न्यूज़पेपर रीडिंग पुराने न्यूज़पेपर निकालो पढ़ना स्टार्ट करो हेडलाइंस पढ़ो न्यूज पढ़ो कि क्या मुझे ग्रास्प करना चाहिए कैसे नहीं और प्रीवियस ईयर पेपर तो आपने करना ही करना है जो इस साल का है सीडीएस 2017 का सेकंड पेपर है वो भी करना है 2017 का फर्स्ट पेपर है उसमें भी जो करंट अफेयर्स आए हैं वो भी आपने करने हैं तो कई बार क्वेश्चन बहुत रेयर होता है बट कई बार रिपीट हो जाते हैं चांस आपको नहीं लेना प्रतियोगिता दर्पण आप 6 मंथ्स की भी बाय कर सकते हैं अगर आपको मंथली नहीं मिलती है जैन से लेकर दिसंबर तक की अगर आप वो पढ़ लेते हैं आई अश्योर यू 100% सक्सेस इन करंट अफेयर्स तो दोस्तों ये पार्ट था अब मैथ्स की हम बात करते हैं मैथ्स में दोस्तों आपने जो एनसीईआरटी प्योर फॉलो करनी है 9th एंड 10th स्टैंडर्ड की चैप्टर्स अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो मैं बता देता हूं सबसे पहला चैप्टर आप स्टार्ट करना ट्रिग्नोमेट्री देन गो फिर हाइट एंड डिस्टेंस देन लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैट्रिसेस अगर आप कर सकते हैं तो बिकॉज क्योंकि मैट्रिसेस के ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है हार्डली एक आधा क्वेश्चन कभी आया होगा बट मैट्रिसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बाद आप कर सकते हैं अपना लीनियर इक्वेशन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सर्कल्स हाइट एंड डिस्टेंस हो गया उसके बाद हो गया आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसके बाद आपका लाइंस एंड एंगल्स देन ट्रायंगल्स ये चैप्टर अगर आप करेंगे जिसको याद नहीं रहे जिसने मैंने तेज बोल दिया था तो प्लीज वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा चैप्टर लिख लीजिए अगर किसी ने मैथ स्टार्ट नहीं किया तो ये सब चैप्टर आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आई एश्योर यू अगर आप ये सब चैप्टर कर लेंगे हाँ मैथ्स में अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे बट जीएस का अगर ये ट्रेंड फॉलो करेंगे जीएस में भी आप आराम से पास हो जाएंगे तो जिस किसी ने अभी तक मेरा एसएसबी गाइड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसका जो अपडेट आने वाला है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है उसके अंदर आप मंथली के मंथली या वीकली के वीकली आप जो है सीडीएस एनडीए एफकैट के रिटर्न एग्जाम दे पाएंगे ऑल इंडिया रैंक निकलेगी आपकी साथ साथ असेसमेंट एसएसबी की आप दे पाएंगे टैट वैट एसआरटी और एसडी की मेरे को ताकि हम लोग चेक कर सकें आपकी असेसमेंट क्योंकि स्टोरीज बहुत मुझे भी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है
और एक चीज दोस्तों, बहुत सारे लोग, मैं कमेंट से कल गो थ्रू कर रहा था कि सर रिटर्न एग्जाम्स के लिए बताइए, एनडीए सीडीएस एफकैट बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स की हम कैसे तैयारी करें, आप हमें थोड़ा पढ़ाइए कि मैथ्स कैसे पढ़ सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए। तो मैं गो थ्रू कर रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों से एक बार डिस्कस कर लेते। अगर आप लोगों का सपोर्ट दोस्तों मिलेगा मुझे, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आप, नया चैनल मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जिसके अंदर ये रिटर्न एग्जाम की सारी तैयारी होगी, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर सारे चैप्टर्स मैं सॉल्व करूंगा धीरे धीरे। तो आपको अगर वो चीज चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, आप सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, देन आई विल गो फॉर इट।